नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा की रचना पैलेस की हैं, जहां पे आपको बता दें कि रेजोनेंस कोटा जिसकी एक ब्रांच जो है वो सिरसा में खोली गई है, और सिरसा में ब्रांच खोलने के बाद सिरसा में जो है वो एक ग्रैंड सेमिनार जो है वो आयोजित रेजोनेंस कोटा की ओर से किया गया। और इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जो है वो कैरियर गाइडेंस पर जो है वो बच्चों को दिशा निर्देश देना था कि आखिर बच्चे जो है वो इस रेजोनेंस की जो फाउंडेशन क्लासेज जो है वो लगातार लगाई जा रही है, तो उन फाउंडेशन क्लासेस को लगाने से क्या फ़ायदा होगा, कहाँ कहाँ जो है वो बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ उनका भविष्य जो है वो सिक्योर हो सकता है, आने वाले समय में जो है वो किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन से बच्चे को किस लाइन की तरफ जो है वो आगे पढ़ाई करनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा लगातार जो है वो कैरियर गाइडेंस के इस ग्रैंड सेमिनार के अंदर जो है वो की गई। अगर बात करें तो इस कैरियर गाइडेंस में जो है वो मुख्य तौर पे अगर बात करें तो बच्चों को संबोधित करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए, या फिर यूं कहें कि बच्चों को उचित दिशा निर्देश देने के लिए जो रेजोनेंस कोटा के संस्थापक हैं आरसीवी के नाम से मशहूर आरसी वर्मा जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। एक बहुत ही बड़ी और जानी मानी शख्सियत जो है वो यहाँ पर आ करके बच्चों को जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिए। ऐसे में अगर बात करें तो बच्चों को जो है वो करियर गाइडेंस की जानकारी के साथ साथ इस ग्रैंड सेमिनार के अंदर जो है वो कुछ मनोरंजन भी जो है वो बच्चों का किया गया, आए हुए अभिभावकों का किया गया। तो ऐसे में अगर बात करें तो रूपनाथ के नाम से फेमस मशहूर कॉमेडियन जो कि बॉलीवुड में भी अपनी एक अनूठी छाप छोड़ चुके हैं, ख्याली राम सहारन ने जो है वो अपनी प्रस्तुतियां पेश करके आए हुए मेहमानों का, बच्चों का, अभिभावकों का जो है वो मन मोहा और उनको मनोरंजन उनका जो है वो लगातार किया। तो ऐसे में ख्याली राम सहारन ने किस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हुए लोगों का दिल जीतने का काम किया, मनोरंजन करने का काम किया, वो देखिएगा जरा। पढ़ाई हमेशा ऐसी पढ़ो जो जीवन भर काम आए, तो व्यक्ति से नुकसान होता है। मैं पहली बार जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया तो मेरा दोस्त मेरे साथ में था, पहले नंबर मेरा है, तो जाते साथ में कहा देश का प्रधानमंत्री कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी सर, कृष्ण वाजपेयी सर, तो बोले देश आजाद कब हुआ, अरे प्रयास 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली, शाबाश। पेट्रोल कहां से आता है, मलिराट से, बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है, अमिताभ बच्चन, वाह जाओ। बाहर आया मेरा दोस्त, बोला क्या क्या बातें पूछ रहे हैं, मैं क्या भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, उत्तर बताऊंगा बेटा मार दे, पहले अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल स्वामी से चंद्र सिंह राम अमिताभ बच्चन, अब भाई साहब जब बेटा मारता मारता पहुंचा आगे जो साथ बैठे थे वो हरियाणा के थे, और पहला ही सवाल बोल दिया कि हाँ भाई तेरे बाप का नाम क्या है, अगले ने डंडा मारता था बोला अटल बिहारी वाजपेयी सर, अटल बिहारी वाजपेयी उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तुम पैदा कब हुए, तो प्रयास को 1857 में शुरू हुआ, सफलता 1947 में, अरे ऐसा आदमी तो कहां से आया प्रतिराज से, अरे बोले भाई तू पागल है, मैं पागल, बोले पागल दोनों नहीं है सर, पागल अमिताभ बच्चन है, तो करना कुछ चाहते हैं वो कुछ जाता है, फिर नुकसान होते रहने बनाने के, हमें वो चीज ऐसी पढ़नी है कि हमें कल को किसी को पढ़ानी पड़े, किसी को बतानी पड़े, तो हमें वो हमेशा जीवन भर के लिए याद रहे, क्योंकि अपने यहाँ का सिस्टम, यहाँ का कल्चर इतना प्यारा माहौल, कई बार मैं उसकी वजह से टेंशन में आ जाता हूँ। हमारे यहाँ जैसे हस्बैंड वैसे भाई, सरपंच सरपंच नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मास्टर मास्टर नहीं, मास्टर नहीं चाहे तीसरी खेल हो, और वो मास्टर के पीछे आगे तो मास्टर नहीं होगी। अब मैं बॉम्बे में परेशान हो जाता हूँ, बॉम्बे में कोई नाम नहीं लेते, अग्रवाल साहब, गोयल साहब है ना, सरनेम से बुलाते हैं, तो मैं तो टेंशन हो जाती हूँ, यार हमारा जो देसी कल्चर है राजस्थान हरियाणा का वो बॉम्बे में शुरू हो गया, तो लोग तो डायरेक्ट हो जाएंगे चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती, और ये पार्टी में आंडा साहब आए, मिश्र आंडे भी आए, तो कहीं ऐसी टेंशन है, छोटी छोटी ऐसी दिक्कत है कि हर दिन को हमें हैंडल करना होता है। तो दोस्तों हर जगह अपने जहां हमें हम जहां हमें अच्छा लगता है, एक जगह मैं मोटिवेशन क्लास ले रहा था आईएएस एकेडमी की, तो मैंने कहा कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया में कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपने बताया कि कपड़ा मिल में नौकरी करने गया, रेलवे स्टेशन पे सोए, तो कैसे आपने अपने आप को खुश रखा,
पुलिस वाले आते रात को चेक करते, मेरा कान पकड़ के बाहर निकाल देते। चलो मैं सोचता चल छोड़ो यार, कौन सा बात है ना, कितना ही करना है। अब ये रचना पैलेस जब तक प्रोग्राम करने में मजा लेने यहाँ पे बात का, थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि चलो खाली करो, तो कहेंगे छोड़ो नहीं अपने, कौन सी बात है। तो जो चीज कमाना है बेबी उसकी पहले खुशियां मनाइए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो करियर गाइडेंस में जो संबोधित करने के लिए जो रेजोनेंस कोटा के जो संस्थापक जो आए हुए थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे भारत के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पे हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर जो है वो अपनी ब्रांच खोलना चाहते हैं। और इससे पहले जो है वो हरियाणा और पंजाब में उनके ब्रांच नहीं है, बाकी लगभग जो है वो 18 स्टेट जो है वो लगभग वो कवर कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो हरियाणा में ये जो RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरेका में ये जो ब्रांच खुली है, ये पहली ब्रांच है और इस ब्रांच का जितना ज्यादा हो सकता है वो फायदा उठाइएगा। उनके द्वारा जो है वो अभिभावकों से बच्चों से क्या कुछ अपील की गई है इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर के, उन्होंने क्या कुछ कहा। और इसके साथ ही अगर बात करें तो RP सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, या यूं कहें कि RP ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन जनक बिश्नोई का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। तो मैं आपको बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं और हम लोग पिछले 22 सालों से कोटा में काम कर रहे हैं। और कोटा के अलावा हम ऑलरेडी देश के लगभग 80 सेंटर हमारे चल रहे हैं, हरियाणा पंजाब ये वाला जो इधर वाला जो क्षेत्र है इसमें हमारा कोई सेंटर था नहीं। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए और अब एक उचित समय आ गया है कि हम लोग सिरसा से, हरियाणा में हमारा पहला सेंटर सिरसा में बन रहा है। बड़ी खुशी हो रही है कि हरियाणा आए हम लोग और यहाँ के जो बच्चे हैं इनके अंदर जो एक खेलों के प्रति एक अलग भावना है, पढ़ाई के प्रति भी रही है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि हमारा जो 22 साल का अनुभव है उस अनुभव से सिरसा क्यों अछूता रहे। तो सिरसा के पास ही कैथल जगह है, वहाँ से हमारा एक बच्चा लगभग 15 साल पहले IIT में उसकी 25वीं रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 25। तो तब से ही मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार हरियाणा के अंदर भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और इन टैलेंटेड बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। और वैसे तो कोटा बच्चे आते ही पढ़ने के लिए, लेकिन कई बच्चे नहीं जा पाते कई कारणों से, जिसमें आर्थिक कारण भी सबसे बड़ा होता है, कई बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती वहाँ जाने के सारे खर्चे वहन करने की। तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हम बच्चों के पास क्यों ना हम बच्चों के पास ही चले जाएँ, ताकि उनका कम से कम जो एक फाइनेंशियल बर्डन होता है वो एक अच्छी तरह से एड्रेस हो जाए, वो एक बर्डन कम हो जाए उनका जो आने जाने का इधर उधर खर्चा होता है, खाली फीस का खर्चा तो होता ही है। सर अब अगर एक सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि कोचिंग जो है वो IIT की, नीट की, JEE की तैयारी सभी संस्थान करवाते हैं, लेकिन अगर रेजोनेंस की अगर बात करें तो रेजोनेंस स्कूल सबसे अलग क्या है? देखो ऐसा है, हम लोग, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे साथ एक लीगेसी है, एक हिस्ट्री है, 22 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं खुद 28 साल मेरे को होने वाले हैं 5 मई को एज ए टीचर, मतलब हो गए हो तो है ना, 5 मई तो गया ही, पता ही नहीं चला कब निकल गया। तो 28 साल हो गए, 29वां साल चालू हो गया मेरा। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमने इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को, जो तैयारी होती है या इसमें जो बदलाव आते हैं, इनको बहुत बारीकी से देखा है, डीपली देखा है, और एक इतने सालों में एक सिस्टम बन जाता है, कोई भी नई चीज़ आती है हम उसको तुरंत अडॉप्ट कर सकते हैं। रमेश जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज का जो मेरा सेमिनार था, जो मैं सोच के चला था उससे 100 गुना अच्छा हुआ है, और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ RKV सरकार की, वो मेरे एक छोटे से बुलावे पे आए और इस सेमिनार को संबोधित किया। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी बड़ी हस्ती और इतने बड़े एक सिंगर हैं वो, जो मुझे आज पता चला, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा सेमिनार बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह भगवान ने चाहा तो अगला हम सेमिनार करेंगे और उसमें IIT जो है और डॉक्टर साहब को देंगे। आने वाले समय मतलब कि रेजोनेंस की ओर से ये सेमिनार आयोजित होते रहेंगे सर, नो डाउट।